हेलो बच्चों, मैं आपका एबी स्क्वायर एक और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्क्वायर एजुकेशनल ग्रुप में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ जो रेशनलाइजेशन वाली पार्ट होती है, उस चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर रेशनलाइजेशन कैसे करें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही आप लोग का स्टार्ट होगा तो रेशनलाइजेशन का पार्ट आपको बहुत जरूरी है, समझे देखिएगा और बात को समझिएगा। तो रेशनलाइजेशन वाली पार्ट को पहले आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि रेशनलाइजेशन कैसे करें, क्योंकि रूट जब नीचे रहेगा तो भारी परेशानी में आपको झेलना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करेंगे और जो रूट के जो रेशनलाइजेशन रूट वाली होती है उसको कैसे करें, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आपका क्वेश्चन आज है, जैसे कि अभी हम आपको बहुत सिंपल वाली बात बताते हैं, यदि ऐसा रहेगा तो भी करेंगे। जैसे ऊपर में आपका आ गया, जैसे वन रह गया और नीचे में आपका रूट टू रह गया, तो याद रखिएगा ऐसे आपको नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, रूट आपको नीचे में नहीं रहना चाहिए। नीचे रहेगा रूट तब ऊपर वाला आपके कर देगा क्या चीज, लूट लेगा, यानी नीचे रहेगा रूट तो ऊपर वाले को लेगा लूट, समझ ना, यानी नीचे नहीं रहना चाहिए रूट, क्योंकि बच्चा ऊपर वाला के ले लेगा लूट, लूट लेगा, समझे। अब यहां से जब ऐसा रहे तो यही संख्या से ऊपर नीचे, नीचे में देखिए कि रूट में कौन है तो टू है जी, तब ऊपर में भी रूट टू और नीचे में भी टू। हम लोग जानते हैं कि जब कोई समान संख्या से ऊपर नीचे गुना किया जाता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता है। तो यहां से बात को सुनिएगा और समझिएगा, तो ऊपर आप यहां से क्या करोगे, वन में गुना करोगे रूट टू से, तो हो जाएगा क्या चीज, रूट टू, और नीचे में रूट टू और रूट टू, याद रखिएगा कि ये भी रूट टू ये भी रूट टू, तो यहाँ पे जब रूट टू है यहाँ पे रूट, यानी रूट रूट जब दो वो समान रहेगा रूट के अंदर तो दोनों समान समान आपका मिलकर एक बन जाता है, वो भी चश्मा समाप्त हो जाता है, यानी दो को चश्मा वाला इंसान मिल गया और एक ही जैसा तो दोनों को चश्मा खत्म होकर एक इंसान अच्छा सा बन जाता है, यानी दो को कुर्बानी देके वो बन जाता है, यानी रूट टू और रूट टू गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा टू, या आपको हो गया आंसर, ये आपका रेशनलाइजेशन हो गया बच्चों। थोड़ा सा देखिएगा और समझिएगा इसमें, अब इसमें आगे समझते हैं, समझे, ये तो बड़ा इजी इजी दे रहे हैं आपको, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपको इजी ही जरूरत है, याद रखिएगा। यदि ऊपर वन और नीचे आपका रूट थ्री रह जाए तो इसका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, तो नीचे में रूट थ्री है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए यही वाला चीज से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो ये आपका रूट थ्री और नीचे में आपको हो जाएगा बच्चों रूट थ्री, समझे ना, ऊपर में भी रूट थ्री नीचे में, क्योंकि नीचे से रूट थ्री को हटाना है, तब यहाँ से देखिए जब हटाना है तो ई ऊपर वाला के साथ एक गुना करेंगे इसको एकरा सा, तो देखिए वन में रूट थ्री से गुना करेंगे तो रूट थ्री, और रूट थ्री दोनों समान समान जब एक ही जैसा रहेगा दो को तो क्या हो जाता है, एक कैंसिल, यानी यहाँ से खत्म होकर सिर्फ आपका थ्री हो जाएगा, इसी में आपको टू टू गुना करिएगा बच्चे रूट टू, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट टू हो जाएगा, यहाँ पे यदि आप कहो कि रूट फोर है रूट फोर करोगे तो यहाँ पे आपको हो जाएगा फोर हो जाएगा, समझे ना, ये चीज ऐसे भी आपको रूट फोर निकलेगा तो टू है, यहाँ पे भी आपका टू हो जाएगा, लेकिन ऐसा गलती मत करिएगा कि रूट टू रह जाए और गुना में रूट थ्री रह जाए तो इसको हटा के कर दीजिएगा, तब बिल्कुल नहीं, ऐसा रहेगा तो लड़ जाएगा जी, तू कहेगा कि नहीं हम रहेंगे, वो कहेगा कि हम रहेंगे, ये दोनों में से कोई नहीं रहेगा, बल्कि दोनों को गुना कर देगा, रूट थ्री और रूट थ्री गुना के रूट सिक्स हो जाएगा, रूट थ्री और रूट टू गुना होकर रूट सिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा जिसको में नीचे है तो नीचे में आपका दोनों समान एक जैसा है, तो आपको हो जाएगा थ्री, ये आपको हो गया आंसर बच्चों, दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा इसमें अब आपको स्टार्ट करते हैं, इसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस इसमें करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जैसे आपको रह गया यहाँ से देखिए ऊपर में आपको रह गया टू और नीचे में आपको रह गया रूट थ्री, अब प्लस में आपका रह गया, या आप ऐसा कर सकते हो, पहले आओ आसानी देते हैं आपको, यहाँ पे हम बच्चों दे देते हैं रूट थ्री और प्लस में वन और बट्टा में आपको दे देते हैं रूट टू, तब ऊपर में रूट वाला है तो वहां से कोई परेशानी नहीं है बच्चों, याद है ऊपर में रूट वाला है तो इसी से कोई परेशानी नहीं, लेकिन नीचे में आपको रूट होना चाहिए, नीचे में रूट रहेगा तो परेशानी होता है, तो नीचे में रूट को हटा देना पड़ता है, तो इसी का रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ये आपका रूट टू में है तो इसको क्या करिएगा बाबू कि इसी चीज को ऊपर नीचे से गुना, तो रूट टू है और नीचे में भी रूट टू
से गुणा कर दीजिए, इसको बक्सा लगा दीजिए, इसको से फेरा फिर इसमें इसके सदस्य को बम पटकिए ताकि इसके बाहर में इसके इसके घर में इसको पटकिएगा। तो पहले रूट टू से गुणा करेंगे रूट थ्री में, तो रूट टू और रूट थ्री आपको हम पिछले वीडियो में आपको बता देंगे कैसे किया जाता है। तो रूट टू और रूट थ्री गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, तो रूट सिक्स और वन में गुणा कीजिएगा रूट टू से तो क्या हो जाएगा प्लस में रूट टू हो जाएगा। और देखिये नीचे में दोनों समान समान रूट टू और रूट थ्री गुना है, सॉरी रूट टू और रूट टू गुना है, तो आपको हो जाएगा टू, आपका हो गया आंसर, परेशानी आपका हो गया खत्म। अब देखिए बच्चों अब इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात को समझिएगा इसमें थोड़ा सा। हाँ बच्चों तो देखिएगा थोड़ा सा इसमें आपको धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको क्या कर रहे हैं कि ऊपर दे देते हैं सेम और नीचे दे देते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, ऐसा समझिए, ऐसा ऐसा आपको क्वेश्चन आपको आने वाला है जब ज्योमेट्री का हम लोग जिक्र करेंगे उसमें सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चों जब ऐसा रहे तो क्या करना है, तो जब ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करते हैं, सेम रूल हम लोग अपनाते हैं, जैसा कि नीचे वाले के साथ ऊपर नीचे गुना करते हैं इसमें भी हम लोग ऊपर नीचे गुना करेंगे। लेकिन एक परेशानी है जिसमें आपको आता है, वो क्या होता है, यदि नीचे में रहेगा प्लस तो उसी से गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका माइनस, यदि नीचे में रहा माइनस ऊपर नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा बच्चों प्लस। तो आइएगा स्टार्ट करिएगा, देखिएगा यहां से बात को समझिएगा, यहाँ पे नीचे में है आपका प्लस, तो इसी वाला चीज को ऊपर नीचे यही वाला समान संख्या से ऊपर, यहाँ पर रूट थ्री है रूट थ्री, लेकिन यहाँ पे प्लस है बच्चों तो यहाँ पे माइनस सिर्फ आपको करना है, बाकी सब सेम से, फिर यही वाला चीज से आपको नीचे रूट थ्री और यहाँ पे बच्चों माइनस में वन हो जाएगा। बात को समझिएगा, आप यहाँ से क्या करोगे, ई इसको बॉक्स लगा दो, यहाँ पे ई इसका बॉक्स लगा दीजिए और यहाँ पे इसका बॉक्स लगा दीजिए, समझे ना। अब इसमें क्या करना है, इसके परिवार को इसके परिवार के साथ गुणा करना है, यानी इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा इसके सदस्य इसमें फेरा फेरी आपको गुणा करना है। तो पहले टू से रूट थ्री में गुणा कीजिएगा, तो बात को समझिएगा, इसमें है कि चश्मा पहने हुए नहीं, लेकिन ये चश्मा पहने हुए, तो बिना चश्मा वाला क्या कहता है कि चश्मा वाला क्या आगे तुम सहायता करो उसको, आगे इसमें सट जाओ, तो इसमें इसमें आपको चला जाएगा, तो टू रूट आपका हो जाएगा थ्री, यहाँ से टू में आप गुना करेंगे माइनस वन से बच्चों तो यहाँ हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा, अब यहाँ पे देखिए रूट थ्री प्लस वन इंटू आपका रूट थ्री माइनस वन, तो इसके आप जोड़ भी सकते हो, एक आपका सॉरी आपका फार्मूला से भी आता है कि इसका हो जाएगा ए के स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा बी के स्क्वायर, लेकिन अभी हम लोग को ए फार्मूला पर हमको तोड़ना नहीं है, याद रखिएगा, क्यों नहीं तोड़ना, क्योंकि हमें गुना करने के लिए भी सीखना है बच्चों, समझ रहे, हम लोग को फार्मूला वो भी आपको हम सिखाएंगे कि कैसे आप उसको करते हैं तोड़ते हैं, सब बहुत सारे बच्चे इसमें भी फंस जाते हैं, लेकिन हम फंसने नहीं देंगे, याद रखिएगा, आपको इजी तरीका से आपको बताएंगे। तो यहाँ पे अभी फिलहाल आपको गुना करने के लिए सिखा रहे हैं, समझ रहे, तो यहाँ से क्या करोगे बच्चों, जो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि ए वाला जो है पहले इसको से धरिए, पहले इसमें गुना कीजिए, रूट थ्री दोनों समान समान है, तो हमने अभी बताया कि रूट थ्री जो समान रहता है वो आपका थ्री में बदल जाएगा, तो रूट थ्री समान है तो आपको हो जाएगा थ्री, फिर आगे देखिएगा तो यहाँ पे आपका प्लस वाला है, अब इसको रूट थ्री से इसको माइनस टू से करना है, तो माइनस वाला से करना है जी, तब माइनस अब यहाँ पे गुना करना क्या चाहिए वन गुने माइनस वन, तो देखिएगा ये माइनस वन से करेंगे तो सेम आपका रह जाएगा, यानी आपका माइनस रूट थ्री ही आपका रह जाएगा, क्योंकि माइनस वाला ये भागा लिए हुए तो इसको भागा गो के निकल जाएगा ही वन वाला, यानी इसको से आप इसमें भी गुना कर दिए। अब क्या करना है, अब आपको वन से गुना करना है रूट थ्री में, यदि आपका समान नहीं है जी तो वन में गुना कीजिएगा रूट थ्री से तो प्लस में आपको हो जाएगा रूट थ्री, और वन से गुना कीजिएगा माइनस वन में तो आपको हो जाएगा माइनस वन। अब देखो बच्चों यहाँ से आपका क्या हो गया, यहाँ से रूट थ्री और रूट थ्री दोनों समान है, प्लस में वो माइनस में कट जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा नेक्स्ट प्रोसेस है, ऊपर में टू नीचे टू रूट थ्री और माइनस टू, अब देखिएगा यहाँ पे तीन है यहाँ पे माइनस वन दोनों घट जाएगा तो आपको हो जाएगा तो टू है तीन हो जाएगा, तीन है पॉजिटिव वन है निगेटिव तो दोनों घट के कहा जाएगा बच्चों टू हो जाएगा, समझे ना। अगर ऐसे तो चाहोगे तो यहाँ पे आंसर दे सकते हो, लेकिन ऊपर कॉमन देखिएगा, तो कॉमन अभी आपको लेने के लिए नहीं बताया लेकिन फिर भी सिखा रहे, देखिएगा कि कॉमन उसी संख्या को लिया जाता है जो आपको दोनों में वो संख्या से भाग लग जाए, तो देखिए एक तरह में भी दूसरे से भाग लग जाएगा इसमें भी लग जाएगा, उस जिसको से भाग लगता है उसको भगा दीजिए, तो रूट टू को भगा दीजिए अंदर में बच जाएगा टू, एक में से भगाइए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा भाग लगाइएगा था और नीचे आपका टू हो जाएगा, तो ई से ही आपका हो गया बच्चे कैंसिल, तो आपका हो गया यहाँ से
सेकंड सर 2 माइनस 1। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा, समझे ना, ये चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा, समझे ना। तो इस चीज को भी हम आप लोग क्या करते हैं, होमवर्क दे देते हैं, तो सुनिएगा और समझिएगा, इसको निपटाते हैं। तो देख लीजिए पहले इस चीज को, सारी चीज को अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और फिर इसके बाद हम आपको होमवर्क देते हैं बच्चों, ठीक है। तो रुकिए थोड़ा सा पॉज करके होमवर्क लिख दे। चलिए बच्चों, 5 को आप लोग को होमवर्क दिए हैं, इस 5 होमवर्क को आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, समझे ना। ये आपको हो गया एच डबल हुआ, इस एच डबल हुआ को आप लोग सारे बच्चे कंप्लीट कर देंगे, ठीक। यदि आपको कोई समय कोई भी एक नहीं बनेगा तो क्या करिएगा, आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है बच्चों, तो जितना हो सके इसमें आप पूछिए। अब बेसिक तरीका से तो ही आपको हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यदि ये आपका कंप्लीट हो जाता है तो, समझे ना। फिर इसमें आपको देखेंगे बहुत सारे बच्चे को तकलीफ होता है कि रूट के अंदर से हम कैसे बाहर निकालें, क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे बच्चे तो वहां पे आपको तकलीफ थोड़ा सा होता है कि रूट के अंदर से कैसे, क्योंकि उसमें आपको आता है निकालने के लिए सिद्ध कीजिए कि क्या यह समकोण त्रिभुज है या नहीं है, समझे ना। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आएगा, तो वहां पे आप विषमबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आएगा, तो वहां पे रूट के अंदर से आप निकालने के लिए न जान पाओगे, तो फिर वहां पे भी आपको तकलीफ होगी। तो बात को सुनना और समझना है, यदि अच्छा लग रहा है वीडियो को बच्चों तो सीधा सीधी इसको शेयर कीजिएगा, समझे ना, एक दूसरे के पास अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, समझे ना। और सबसे जरूरी काम है इसमें आपको कि सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन जाने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू टुमारो, फिर अगले वीडियो में बहुत जल्द ही मिलते हैं, समझिए।